नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SDR एजुकेशन में और एक नया वीडियो आप सभी लोगों के लिए। हम में से काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन अक्सर रहती है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हमें कितने करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और उसका राइट टाइम क्या होता है करने का। ये कुछ अप्रोचेज हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कुछ एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मैं दूंगा जो कि हमने एक्सपीरियंस से गैदर करते हैं और जो चीज़ जो है ऑब्वियसली सबको हेल्पफुल हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अकेडमी पर भी एजुकेटर हूँ, आप सभी लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। सभी के सभी लेसन्स वहाँ पर आपको, 14 कोर्सेज हैं हमारे जो कि पेपर वन के भी कोर्सेज हैं और आपके पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हैं। वहाँ भी मैंने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स करवा रखे हैं, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ व्हाट्सएप का जो फ्री ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, वो भी आपको मैं नंबर आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ग्रुप है, सभी के लिए है, अपडेट हम वहाँ देते हैं जो जो उनसे लेसन आते हैं। तो नवीन साख सर्च बार में सर्च करिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मुझे यहाँ फॉलो कर लीजिए। प्लस कोर्सेज में आप आते हो तो इस कोड इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्काउंट मिल जाता है आपको। 1800 जो फीस है उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, वन मंथ का जो 1800 का फीस है। देखिए, इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स की। दो या तीन पॉइंट मेरे दिमाग में यहाँ सबसे पहले आते हैं, वो ये है कि कहीं ना कहीं ये आपको प्रिपेयर करने में मदद करता है कि एग्ज़ाम के पैटर्न्स क्या रहने वाले हैं, एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। अब तो ऑब्वियसली इन्होंने साफ एक बात कर दी कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो भी डर नहीं है। जैसे पिछली बार टीचिंग एप्टीट्यूड के 14 क्वेश्चन आ गए, किसी में 12 क्वेश्चन आ गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। दूसरी बात, अब की बार 3 घंटे मिल रहे हैं और दोनों पेपर 3 घंटे में करने हैं, ना कि पहला पेपर 1 घंटे में और दूसरा पेपर 2 घंटे में करना है। तो जिनको DI में, कॉम्प्रिहेंशन में 5-5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगता है, वो टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1.25 घंटे में कर लो, क्योंकि दूसरा पेपर जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ अगर पहले पेपर में लगता है कि 5 क्वेश्चन आपके DI के पक्के सॉल्व हो रहे हैं 10 नंबर के और 5 कॉम्प्रिहेंशन के पक्के सॉल्व हो रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन का फायदा वहां उठाओ टाइम लेके ज्यादा। और यही चीज आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपको पता लगता है कि आपकी स्पीड क्या है सॉल्व करने की, आप कहां स्टैंड कर रहे हो प्रिपरेशन में, और आपको वो एग्जाम पैटर्न से वाकिफ कराते हैं। तो सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर के जैसे कि हमने भी बहुत सारे पेपर करवाए हैं, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड हैं अनअकैडमी के कई कोर्सेज पे। तो जैसे जैसे लिंक देता हूँ आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। पेपर वन की तो सभी लोग कर सकते हो प्रैक्टिस, अंग्रेजी में क्वेश्चन लिखे होंगे, हिंदी में उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, और कॉमर्स मैनेजमेंट वालों के लिए तो ऑब्वियसली बहुत सारा मटेरियल है ही, उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। और इनफैक्ट जो पेपर वन वाले आप हो कॉमर्स के छोड़ के स्टूडेंट्स, तो आप जो है वो कम्युनिकेशन के यहाँ हमारे कोर्सेज को कर सकते हो, हायर एजुकेशन को कर सकते हो, रिसर्च के 100 क्वेश्चन कराए हैं उनको करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। आपको एक प्रॉपर आइडिया और एक रियलिटी चेक जो है ना वो आपको इससे मिलता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आखिर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ये एक रियलिटी चेक है आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन को चेक करने का। अभी वक्त है और तैयारी करने का, जिनका पेपर 26 को है, 24 को है, 20 को है, तो वो लोग भी अपने आप को क्लैरिटी ला सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। दूसरी बात, आपको एक प्रॉपर आइडिया और अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, स्कोरिंग बहुत है, DI में जो है 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, 5 कॉम्प्रिहेंशन में सॉल्व किया, 5 टीचिंग एप्टीट्यूड का पक्का किया, 5 हायर एजुकेशन का पक्का किया, 5 रिसर्च का पक्का किया और 5 कम्युनिकेशन का पक्का किया। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि मैंने सारे कोर्सेज आपको अनअकैडमी पे कराए हैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। जाइए रिवाइज करिए, एक बार देखा है रिविजन में दोबारा देखिए, एक भी बार नहीं देखा है जरूर उन कोर्सेज को देखिए, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। जिन भी लोगों को उससे हेल्प मिली है इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप कमेंट में बताइए बाकी लोगों को कि ये सच में हेल्पफुल हैं या नहीं है कोर्सेज, और अपनी ओपिनियन जरूर रखिए। तो ये कुछ एक फायदे हैं। दूसरा एक बहुत ही रेलिवेंट बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स खासकर, क्योंकि हम उन्हें प्रिपेयर करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन के लेवल कैसे इंक्रीज हो रहे हैं पिछले 3-4 सालों में। 2015 के बाद के पेपर करना, 2015 दिसंबर से शुरू करना, 2015 दिसंबर करना है, 2016 जुलाई करना है, 2017 जनवरी करना है, और उसके बाद 2017 के बाद 2018 का भी पेपर करिए, 2017 का दिसंबर भी करिए, जनवरी के बाद सीधा दिसंबर में जो हुआ था एग्जाम, और उसके बाद जो है आपको जुलाई 2018 का पेपर करिए, और इवन दिसंबर 2018 में तो 3-4 पेपर आए हैं, शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो चारों को वो करिए, UGC की फ्री साइट से इसे डाउनलोड कर लीजिए, और बहुत सारे ऐप्स भी हैं जो कि आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर प्रैक्टिस करनी है सॉल्व क्वेश्चंस की तो हमारे साथ कर लीजिए अनअकैडमी के, जो मैं लिंक देने वाला हूं। तो ऐसे करके अपने प्रिपरेशन को अभी से शेप करना शुरू करिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर करने का ये बेस्ट टाइम है, ना कि आखिरी दिनों में बेस्ट टाइम होगा, क्योंकि आपको आपकी कमी पता लगेगी, उस कमी पे अगले 10 दिन आप काम करोगे, और फिर आप जो है स्कोर कहां कर रहे हो। ऑब्वियसली आपको 40 क्वेश्चन या 35 से 40 क्वेश्चन पेपर वन में सॉल्व करने हैं, और तभी परसेंटेज बनेगी, क्योंकि पेपर टू में सपोज करो 50 क्वेश्चन सही कर लिए, 50% पे आ गए, और यहां पर 80% का पेपर सही कर दिया, तो सीधा JRF आता है 60-65% से ऊपर,
तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, स्ट्रैटेजी थोड़ी सी लगानी जरूरी है, वो जरूर लगाइए। हम हैं आपकी हेल्प करने के लिए, सारे के सारे लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ कोर्सेज के, जो भी देखना है देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेड में आना चाहते हैं पेड में आ जाइए, वो भी एक बहुत सही चीज़ है। जिन्होंने पेड लिया है कोर्स उनसे पूछिए कि वो क्या उनको सच में फ़ायदा मिला है नहीं मिला है, अपने ओपिनियन अपनी कम्युनिटी में खुद के कमेंट्स में लो ना, कौन मना करता है, आप किसी से पूछिए मत, अपने ओपिनियन अपने साथी लोगों से लीजिए जो कि आपके एस्पिरेंट्स हैं और उनसे कमेंट में पूछिए। तो गाइज मेरा यही मकसद था आप लोगों को बताना, कल मैंने शेड्यूल बनाया था, ये उसकी स्लाइड है कि कैसे जो है, कल वाला शेड्यूल वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैसे शेड्यूल 20 दिन का बना सकते हो आप, कैसे सब्जेक्ट्स को बांट सकते हो। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और फॉलो करिए अन अकेडमी पे भी हमें, वहां पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ सभी कोर्सेज का, फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप के फ्री ग्रुप का भी आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पर मुझे मैसेज कर देना, वो भी एक फ्री कम्युनिटी ग्रुप है जहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो अगर आपको जरा सी भी हेल्प करता है तो इसे जितना हो सके उतना रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।